मैथ्स का आज यूनिट एक्सरसाइज 12.12 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हैज एंगल्स सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एक पार्क दे रखा है वो क्वाड्रिलेटरल शेप के अंदर है जिसमें एंगल सी जो आपके पास 90 डिग्री है, ए बी की वैल्यू आपके पास 9 मीटर है, बी सी की वैल्यू आपके पास 12 मीटर है, सी डी की वैल्यू आपके पास 5 मीटर है और ए डी की वैल्यू आपके पास 8 मीटर है। इसमें देखो हीरोन्स फॉर्मूला ही यूज करना है आपको, आपको पूरे एक्स का एरिया फाइंड करना है। पूरा एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बी को और डी को मैच करना पड़ेगा, डायगनल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास डायगनल बन गया, डायगनल बन गया तो हम इसकी वैल्यू देखो फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आप देखो इन ट्राइंगल बी सी डी क्या क्या दे रखा है आपको, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 12 मीटर, सी डी इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होगा, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है देखो 12 स्क्वायर प्लस सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास 5 स्क्वायर। इसको सॉल्व करो 144 प्लस 25 बी डी स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर करोगे 169 आएगा बी डी स्क्वायर। बी डी की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट 169, आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 13 मीटर। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ गई 13 मीटर, ठीक है। तो आपके पास पहले तो हमने ये चीज़ फाइंड कर ली, ये 13 मीटर हमने फाइंड किया। एक बार नेक्स्ट पेज पर डायगनल की वैल्यू फाइंड कर ली 13 मीटर। तो आपके पास देखो ये ट्राइंगल एक अलग बन रहा है, ये ट्राइंगल अलग बन रहा है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया भी हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रिलेटर का ट्राइंगल क्या बच जाएगा, आपके पास एरिया आ जाएगा। अब देखो अब निकालो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, बी सी डी का, ठीक है। इसमें देखो आपके पास ए की वैल्यू क्या है 12 है, बी आपके पास क्या है साइड दे रखी है ना इसकी, और सी आपके पास क्या है 13 है, ठीक है। तो पहले सेकंड पैरामीटर फाइंड करो, एस की वैल्यू 12 प्लस 5 प्लस 13 अपॉन 2 ऐड करो, 12 और 13 कितने हुए 25, 25 और 5 कितने हुए 30, डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 15, ठीक है। ये आपके पास सेकंड पैरामीटर आ गया। अब आपको क्या आपको निकालना है, हीरोन्स फार्मूला निकालो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू हमने क्या निकाली 15, 15 माइनस ए की वैल्यू 12, 15 माइनस बी की वैल्यू 5, 15 माइनस सी की वैल्यू 13। तो इसको सॉल्व करो 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 5 10 बचे, 15 माइनस 13 2। अब देखो इसमें से निकालो कौन, देखो इसको फैक्टर करें तो 5 इंटू 3 लिखा जा सकता है, ये भी 3, ये 5 इंटू 2 और ये 2। अब देखो पेयर बाहर निकालो, तो 2 और 2 का पेयर, 3 और 3 का और ये 5 और 5, मतलब हमारे पास एक तो 5 आ गया, एक 3 आ गया और एक क्या आ गया 2। तो हमारे पास आंसर क्या बना, 5 टू जा 15, 15 टू जा 30, तो 30 मीटर स्क्वायर क्या आया हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम इस वाले ट्राइंगल का फाइंड करेंगे, कौन सा ट्राइंगल ए बी डी का, सेम इसी प्रोसीजर से आप निकालोगे, निकालने के बाद जो आपका इसका एरिया है और जो हमने ये वाला एरिया फाइंड किया 30 मीटर, इन दोनों का ऐड कर दोगे तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।